हेलो वेलकम गाइस, मैं आशीष मिश्रा बाइनरी ट्यूब प्रयागराज में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड, लास्ट वीडियो में पिछली कक्षा में हम लोग बात कर रहे थे इंटरनेट एड्रेसिंग के, जिसमें हमने इंटरनेट एड्रेसिंग के दो मेथड बताए थे, जिसमें पार्ट वन में हमने देखा था डोमेन नेम, व्हाट इज डोमेन नेम, डोमेन नेम क्या होता है, टाइप ऑफ डोमेन नेम सर्वर क्या होता है। तो एक पहचान हम लोग सीख गए कि आखिर इंसान कैसे देख सकता है, कैसे पहचान सकता है। तो ह्यूमन बीइंग के लिए तो आसान नहीं था, ह्यूमन बीइंग के लिए डोमेन नेम के द्वारा हम लोग पहचान कर सकते हैं किस देश का है, किस ऑर्गेनाइजेशन का है। लेकिन दूसरी जो पहचान होती है इंटरनेट की, वो आईपी एड्रेस के द्वारा होती है। तो उसी पार्ट में हम लोग आज इंटरनेट एड्रेसिंग पार्ट टू के अंतर्गत बात करेंगे आईपी एड्रेस के बारे में। आईपी एड्रेस एक यूनिक नंबर होता है जो कंप्यूटर आपस में पहचानते हैं, कंप्यूटर आईपी एड्रेस के द्वारा ही पहचाना जाता है। ठीक, तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि आईपी एड्रेस है क्या। आईपी एड्रेस एक यूनिक नंबर होता है जो दो एड्रेसेस से मिलकर बना होता है। ठीक, पहली चीज इसमें है, इट इज अ यूनिक नंबर एड्रेस, इट इज अ यूनिक नंबर एड्रेस। ठीक है, जो हम बात कर रहे हैं कि एक यूनिक नंबर होता है, यानी हर सिस्टम का अपना एक आईपी एड्रेस होगा, सेम आईपी एड्रेस के दो सिस्टम नहीं होते हैं। तो इट इज अ यूनिक एड्रेस। ठीक, एक यूनिक एड्रेस होता है। दूसरा पॉइंट है कि मैंने आपको बताया कि ये दो एड्रेसेस से मिलके बना होता है, इट कंसिस्ट टू एड्रेसेस। ये दो एड्रेसेस से मिलके बना होता है। पहला है आपका नेटवर्क एड्रेस, और दूसरा है आपका होस्ट एड्रेस। ये दो एड्रेसेस से मिलकर बना होता है, एक होता है नेटवर्क एड्रेस और दूसरा होता है होस्ट एड्रेस। ठीक गाइस, आईपी एड्रेस के दो वर्जन आए, एक आईपी वर्जन 4 है और एक आईपी वर्जन 6 है। तो अभी जो हम लोग बात करेंगे आईपी एड्रेस में, वो बात करेंगे आईपी वर्जन 4 का। ठीक है, आईपी वर्जन 4 में हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो हमने बताया कि इट इज़ अ यूनिक एड्रेस, एक यूनिक एड्रेस होता है कि एक सिस्टम का एक ही एड्रेस होता है। दूसरा चीज, यूनिक नंबर होता है, इट कंसिस्ट ऑफ टू एड्रेस, ये दो एड्रेसेस से मिलके बना होता है, एक होता है नेटवर्क एड्रेस और दूसरा होता है होस्ट एड्रेस। यहाँ पे इट इज 32 बिट एड्रेस, ये 32 बिट का होता है। ठीक गाइस, इसकी जो तीसरी बात है, इट इज अ 32 बिट एड्रेसेस और ईच, अगला पॉइंट है इसमें, जो आईपी एड्रेस होता है वो 4 सेगमेंट में बटा होता है। ठीक गाइस, पहली चीज हमने यहां पे बताई आपको कि इट इज अ 32 बिट एड्रेस। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट में हमने क्या लिखा, इट इज अ 32 बिट एड्रेस, यानी ये 32 बिट का एड्रेस होता है और ये 4 सेगमेंट में बटा होता है। तो हम यहां पे लिख देते हैं, इट डिवाइड इन 4 सेगमेंट। ठीक, अब गाइस आपके पास 32 बिट है, उसको अगर आप
चार सेगमेंट में बांटोगे तो प्रत्येक सेगमेंट कितने बिट का हो जाएगा, तो यहाँ पे ईच सेगमेंट आ 8 बिट। ठीक है गाइस, ये चार सेगमेंट में बटा होता है और प्रत्येक सेगमेंट इसका क्या होता है, 8 बिट का होता है। ठीक गाइस, हर पॉइंट में आपका क्वेश्चन बनता है, इसलिए हमने इसको आपको पॉइंट वाइज दिखाया है कि इट इज अ यूनिक एड्रेस या यूनिक नंबर, इट कंसिस्ट ऑफ टू एड्रेस, नेटवर्क एड्रेसेस एंड होस्ट एड्रेसेस, इट इज द 32 बिट एड्रेस, इट डिवाइड इन फोर सेगमेंट, ईच सेगमेंट है आर 8 बिट, प्रत्येक सेगमेंट क्या होता है 8 बिट का होता है। ठीक, अब फॉर एग्जांपल हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे, जैसे 192.168.1.79 that is the IP address, it is divided in four segment 192.168.1.79। ये कौन सा है IP address है, क्या है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि जो IP address है वो एक यूनिक नंबर है, यूनिक नंबर के साथ साथ ये 32 बिट, इट कंसिस्ट ऑफ टू एड्रेसेस, दो एड्रेस से मिलके बना होता है, एक होता है आपका नेटवर्क एड्रेस, दूसरा होता है होस्ट एड्रेस। गाइस आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि पहली चीज इसमें क्वेश्चन पूछता है कि ये कितने भाग में डिवाइड होता है, जैसे आपसे पूछ लिया कि आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है इन आईपी वर्जन 4 में, तो आप 32 बिट लगाओगे, और आपसे पूछ सकता है कि ये कितने सेगमेंट में बटा होता है, तो आपको बताना होगा कि ये 4 सेगमेंट में बटा होता है, और प्रत्येक सेगमेंट अगर आपने 32 बिट को 4 भागों में बांटोगे तो आपका एक सेगमेंट जो होगा वो 8 बिट में आएगा। ठीक गाइस, आपको मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि आईपी एड्रेस का एग्जांपल क्या होता है, तो वो हमेशा देखना कि 192 या दूसरा भी कोई भी नंबर होगा, लेकिन डॉट करके 4 भागों में सेपरेट होगा अलग अलग, जैसे यहाँ पे 192 डॉट, यानी ये पहला सेगमेंट है, 168 ये दूसरा सेगमेंट है, 1 ये तीसरा सेगमेंट है, और 79 ये चौथा सेगमेंट है। इस तरह से ये 4 सेगमेंट में बटा होगा। ठीक, अब गाइस इसी के आधार पे इसकी क्लासेस डिफाइन होती है। ठीक, तो आईपी एड्रेस ये कितने क्लास में होते हैं, यहाँ पे इनके क्लास डिफाइन होती है कि आईपी एड्रेस के क्लास कौन कौन से होते हैं, तो हम लोग चर्चा करेंगे कि आईपी एड्रेस का क्लास क्या क्या होता है। तो हम यहाँ से इरेज कर रहे हैं, क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस। अब आईपी एड्रेसेस को अगर हम आईपी एड्रेस को बांटे तो ये 4 भागों में बढ़ता है, यानी 4 क्लास इसके होते हैं, और वो क्लास है, पहला उसमें है क्लास ए आईपी एड्रेस। या क्लास ए नेटवर्क, तो आप चाहे ऐसे लिख सकते हो चाहे सिर्फ क्लास ए। अब इसके जब पहले पार्ट में हम चलते हैं क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस में, तो क्लास ए में हम लोग आते हैं, तो हमने आपको बताया था, थोड़ा सा पिक्चर के माध्यम से समझ लेते हैं,
जो आईपी एड्रेस हमने पीछे बात किया कि आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है, तो टोटल 32 बिट का हमारा आईपी एड्रेस बनेगा। ठीक, अब हमने आपको बताया था कि आईपी एड्रेस दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक आपका बना होता है नेटवर्क आईडी और दूसरा बना होता है होस्ट आईडी। ठीक, और उसके बाद हमने बताया कि ये चार सेगमेंट में बटा होता है, तो एक दो तीन चार सेगमेंट में हमने इसको बांट दिया, उसका नाम रख दिया ए बी सी एंड डी। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक नेटवर्क आईडी होता है और दूसरा क्या होता है, होस्ट आईडी। होस्ट की बात अभी करेंगे, दो एड्रेस से मिलकर बना होता है, एक नेटवर्क और दूसरा होस्ट। अब कहते हैं क्लास ए नेटवर्क, यहां पे हर भाग आपका 8-8 बिट का है, तो क्लास ए नेटवर्क जो होता है, क्लास ए जो एड्रेस होता है वो सबसे बड़ा नेटवर्क होता है, सबसे बड़ा आईपी एड्रेस होता है, क्योंकि इसका एक सेगमेंट, ध्यान से सुनना, इसका एक सेगमेंट नेटवर्क आईडी होगा तो तीन सेगमेंट आपके क्या होंगे, होस्ट आईडी होंगे। ठीक, अगर आपका एक सेगमेंट जो क्लास ए नेटवर्क में, एक सेगमेंट आपका नेटवर्क आईडी होता है और तीन सेगमेंट आपके होस्ट आईडी होते हैं। अब ये क्यों बड़ा होता है, अभी हम लोग इसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो यानी 32 बिट में सिर्फ आपका 8 बिट नेटवर्क आईडी होता है और 24 बिट, गाइस ध्यान देना, 24 बिट आपका होस्ट आईडी होता है। तो यहां मेन बात है कि कभी भी नेटवर्क आईडी चेंज नहीं होती है, ध्यान देना गाइस यहां पे, कि नेटवर्क आईडी कभी भी चेंज नहीं होती है, क्योंकि नेटवर्क हमेशा आईएसपी देता है और आईएसपी हर सिस्टम के लिए एक ही होता है। अगर आप किसी को लीज लाइन के द्वारा जोड़ रहे हो, वाईफाई से जोड़ रहे हो, किसी माध्यम से आप कनेक्शन कर रहे हो, डायल अप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसका जो नेटवर्क होगा वो आपका सेम होगा। सेम, तो नेटवर्क आईडी कभी भी चेंज नहीं होता, जो भी चेंजेस होते हैं होस्ट आईडी में चेंजेस, मतलब होस्ट मतलब सर्वर होता है, तो हम नंबर ऑफ होस्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे 24 बिट वर्क कर रहा है, ध्यान देना कि इन वर्किंग कंडीशन जहाँ पे नेटवर्क आईडी 8 बिट है वहाँ पे केवल 7 बिट ही वर्क करता है, और यहाँ पे 23 बिट आपका होस्ट आईडी काम कर, 1 बिट एक्स्ट्रा आपका छूटता है। ठीक है, 1-1 बिट यहाँ से निकल जाता है, तो 8 बिट में 7 बिट वर्क करता है और यहाँ 24 बिट में सिर्फ 23 बिट वर्क करता है। तो क्लास एक बड़ा नेटवर्क आईडी है, समझ रहे, एक बड़ा क्लास नेटवर्क क्लास है जिसमें बहुत मिलियन, लगभग 16 मिलियन पीपल एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं, 16 मिलियन वर्क कर सकते हैं, ये इतना बड़ा नेटवर्क। क्यों नेटवर्क बड़ा है, क्योंकि इसमें एक सेगमेंट नेटवर्क आईडी होती है और तीन सेगमेंट इसके होस्ट आईडी होते हैं। इसकी जो रेंज होती है, वो 1.0.0.0 से लेके 123.126.0.0.0। ठीक गाइस, इसकी रेंज जो होती है वो 1 से लेके 126 तक होती है। ठीक, और इसके जो लास्ट के तीन जीरो होते हैं ये चेंज होते हैं विद द होस्ट एड्रेस, मतलब 1 से लेके हर जीरो 126 बार चेंज होगा। 126 बार चेंज होने का मतलब यहाँ तक 1 लाने के लिए 9 टाइम ये 10 टाइम मूव करेगा, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे फिर 10 टाइम मूव करेगा, 10 बार लाने के लिए इसे 100 बार, 100 बार लाने के लिए इसको 1000, इस तरह से इसमें
कितनी बार चेंज करेंगे, क्योंकि इसके तीन होस्ट, तीन जीरो, लास्ट के तीनों जीरो चेंज विद द होस्ट, लास्ट के तीनों जीरो, तीन जीरो जो है वो होस्ट एड्रेस से चेंज होते हैं। तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, क्लास ए आईपी एड्रेस, क्लास ए नेटवर्क जो होता है, क्लास ए नेटवर्क सबसे बड़ा होता है, जिसमें एक सेगमेंट आपका 8 बिट यानी एक सेगमेंट आपका नेटवर्क आईडी होता है, बाकी तीन सेगमेंट आपका होस्ट आईडी होता है। गाइस क्लियर है? यानी 8 बिट आपका नेटवर्क आईडी और 23 बिट आपका होस्ट आईडी, जिसमें 7 बिट नेटवर्क आईडी वर्क करता है और 23 बिट आपका होस्ट आईडी करता है। इसकी जो रेंज होती है वो होती है 1.0.0.0 से लेकर 126.0.0.0, ठीक गाइस? ये है अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसके, कि क्लास बी नेटवर्क क्या है, इसका दूसरा पार्ट है क्लास बी नेटवर्क। तो हम यहां पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, क्लास बी, क्लास बी में हमने आपको बताया, अब फिर कॉन्सेप्ट हमारा वही है कि 32 बिट का है, जिसमें आपके दो सेगमेंट, दो सेगमेंट आपके नेटवर्क आईडी होते हैं और दो सेगमेंट इसमें होस्ट आईडी, यानी 32 बिट में आपका 16 बिट क्या हो जाएगा, नेटवर्क आईडी, और 16 बिट ही आपका क्या हो जाएगा, होस्ट आईडी। ध्यान देना यहाँ पे, क्योंकि दो सेगमेंट अब क्या है, नेटवर्क आईडी है, तो 16 बिट आपका क्या हो गया, नेटवर्क आईडी, और दो होस्ट के लिए है, दो होस्ट एड्रेस के लिए है, तो यहाँ 16 बिट आपका क्या हो गया, होस्ट आईडी। यहाँ पे वर्किंग में 15 बिट ही वर्क करेंगे, जैसा हमने बताया यहाँ पे भी 15, ठीक। अब ये क्लास ए से छोटा होता है। अब यहां पे देखो कि दो सेगमेंट यानी 16 बिट नेटवर्क आईडी जो कभी चेंज नहीं होगा, बचे क्या 16 बिट, दो ही आईडी आपके, दो ही सेगमेंट में आपके चेंजेस होंगे। तो इसकी जो रेंज होती है 128.0.0.0 से लेके 191.0.0.0 तक, ठीक। तो गाइस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो इसकी आईपी एड्रेस है उसकी जो रेंज है 128 से लेके 190। अभी यहाँ पे देखो कि अभी हमने जो पिछले क्लास में आपको बताया था कि 121 से 126 यानी 126 बार कन्वर्ट हो रहा है, 127 बार। यहाँ पे अगर हम 191 माइनस कर दें 128 तो लगभग आपका आएगा 63 बार ये मूव करे। और यहाँ पे दो सेगमेंट जब ऑलरेडी बुक हो जाएंगे किसके लिए, नेटवर्क आईडी के लिए, तो बाकी लास्ट के दो जीरो में ही परिवर्तन होगा, और वो भी कितना, 63 बार। तो कहने का मतलब ये है कि इसके लास्ट के दो जीरो ही चेंज होंगे विद द होस्ट एड्रेस, और इसमें एक में कितने आप होस्ट बना सकते हो वो डिपेंड करेगा। अब ऐसे भी आप समझ सकते हो कि पिछले क्लास में यहाँ पे तीन यानी 24 बिट होस्ट के लिए था और एक बिट नेटवर्क के लिए था, तो क्लास ए सबसे बड़ा नेटवर्क था और क्लास बी उससे छोटा हो गया। तो ओवरऑल इसमें ध्यान दें, क्लास बी नेटवर्क जो होता है वो क्लास ए नेटवर्क से छोटा होता है, ठीक। इसमें दो सेगमेंट होस्ट आईडी होते हैं यानी 16 बिट नेटवर्क आईडी होता है और 16 बिट आपका होस्ट आईडी होता है। इसकी रेंज जो होती है
128.0.0.0 से लेकर 191.0.0.0 होती है। इसके लास्ट के टू जीरो, ओनली लास्ट टू जीरो चेंज विथ होल्ड स्टेट। गाइस क्लियर हुआ? अब हम लोग बात करेंगे क्लास सी की। क्लास सी इट इज। क्लास सी क्या है? क्लास सी में थोड़ा सा और परिवर्तन हो जाता है। क्लास बी नेटवर्क से भी छोटा होता है, क्योंकि इसमें तीन सेगमेंट आपके नेटवर्क आईडी हो जाते हैं और ओनली वन सेगमेंट आपका होस्ट आईडी हो जाता है। ठीक, तो यहां पे आपका 24 बिट आपका क्या हो जाएगा? होस्ट आईडी हो जाएगी, नेटवर्क आईडी, और 8 बिट आपका क्या हो जाएगा? होस्ट आईडी। ठीक गाइस, अब यहां पे जो नेटवर्क आईडी है तीन सेगमेंट, यहां पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मैंने बताया कि नेटवर्क आईडी कभी भी चेंज नहीं होती है और होस्ट आईडी आपकी क्या है? 8 बिट है, यानी ओनली लास्ट यू। तो ये क्लास इन कंपेरिजन में क्लास ए और क्लास बी से छोटा नेटवर्क है। इसकी जो रेंज होती है वो रेंज है 192.0.0.0 से लेके 223.0.0.0। ठीक, अब अगर हम इसको देखें तो लगभग 31 आएगा, 1। ठीक, लगभग 31। तो यहां पे तीन सेगमेंट में कोई चेंजेस नहीं होंगे, केवल ओनली का लास्ट जीरो जो आपका है, ओनली लास्ट जीरो चेंज विद द होस्ट स्टेट। ठीक, तो ये क्लास सी नेटवर्क जो होता है वो सबसे छोटा नेटवर्क होता है। क्लास सी नेटवर्क आपका क्या है? सबसे छोटा नेटवर्क है, जहां पे 24 बिट आपका नेटवर्क आईडी होता है, जिसमें 23 बिट ही वर्क करते हैं, और ये 8 बिट का होता है होस्ट आईडी, जिसमें केवल 7 बिट ही वर्क करते हैं। ठीक, तो गाइस इसमें मेन जो है क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी नेटवर्क। क्लास ए नेटवर्क सबसे बड़ा होता है, क्लास बी उससे छोटा होता है, क्लास सी सबसे छोटा। अब इसका एक चौथा पार्ट होता है, चौथा क्लास बना है अदर नेटवर्क। ठीक, या अदर क्लासेस। अदर क्लासेस में डी और ई आ जाते हैं। ठीक है, तो डी और ई क्या होता है? यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अदर क्लासेस पे। अदर क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस। ठीक गाइस, अदर क्लास में आ जाता है क्लास डी और क्लास ई। ये ए है,
ये बी है और ये सी है और ये डी है। और देखिए क्लास और डी, क्लास डी और क्लास ई, ये एक रिजर्व आईपी एड्रेस होते हैं और ये सबसे स्मॉल होते हैं, चूँकि इसमें नेटवर्क आईडी का, इसमें जो एक सेगमेंट यानी 8 बिट का था उसको चार हिस्सों में बांट दिया जाता था, उसका एक जो पार्ट होता है यानी 2 बिट का, तो क्लास डी को जो बोला गया कि ये मल्टी क्लास आईपी एड्रेस होता है, मल्टी कास्ट आईपी एड्रेस होता है, और ये क्लास ई जो अदर क्लास में आते हैं, क्लास ई जो आईपी एड्रेस होता है ये रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज, फॉर ब्रॉडकास्टिंग या रिसर्च के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उनमें से इसमें नेटवर्क सेगमेंट का एक पार्ट रिजर्व किया जाता है। ठीक, जो इनकी रेंज होते हैं वो 224.0.0.0 से लेके 239.0.0.0, इसकी जो रेंज होती है वो 224 से लेके 239 तक होती है। ठीक, और क्लास ई का जो फ्यूचर के लिए यूज किया जाता है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे मल्टीकास्ट के एड्रेस होता है मल्टी कास्ट पर्पज, और यहाँ पे जो यूज किया जाता है ये रिजर्व फॉर फ्यूचर, फॉर फ्यूचर, ये फ्यूचर के लिए रिजर्व किया जाए, फ्यूचर रिजर्व फॉर आपके जैसे रिसर्च करने के लिए या प्रोजेक्ट के लिए, इन सब के लिए आपका रिजर्व होता है। और इसकी जो रेंज होती है 239.0.0.0 से लेके 254.0.0.0 होती है। ठीक गाइस, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये 239 से लेके 254 तक होती है इसकी रेंज, एक फ्यूचर यूज के लिए रिजर्व होता है, एक मल्टी कास्ट आईपी एड्रेस होता है, इस तरह से। अब गाइस आपने ध्यान दिया होगा कि हमने जो रेंज स्टार्ट की थी वो 1 से स्टार्ट की थी, यानी 0 से लेके या तो 254 के बीच में होगा या 1 से लेके 255 के बीच। ध्यान दीजिएगा, चाहे आप नोट में इसको लिख लीजिए कि जो नोट में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि आईपी एड्रेस लाइज बिटवीन 1 to 0, आईपी एड्रेस लाइज बिटवीन 1 to 255, एक से लेके 255 तक होती है। गाइस आपके एग्जाम में, ओ लेवल के एग्जाम में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपके जरूर पूछेगा ऐसा क्वेश्चन कि कितने से कौन सा आईपी एड्रेस सही है। हम आप कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। पहला 112.10.6 दूसरा है 193.101.111.78 अगला है 221.101.101.5 चौथा है
256.10.1.1.1.254. एक आपका आईपी एड्रेस है 2.254.1.01.236.1. गाइस, इसमें हमें देखना है कि कौन सा क्लास का आईपी एड्रेस है। तो जैसे पहला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 112.10.11.7, हमने ये आईपी एड्रेस लिखा है। तो हमने सबसे पहले क्लास ए नेटवर्क पढ़ा था, जिसकी रेंज क्या है, जिसकी रेंज है 1 से लेके 127 तक। तो ये पहला वाला जो 112 है, 112 यानी 126 के बीच में आता है 127 के बीच में, तो ये क्या हो गया, क्लास ए का है। अगर हम बात करें किसकी, क्लास दूसरे की, यहाँ पे क्या है 193.101.11.78, यहाँ पे 193। अब हम ध्यान देंगे कि हमारा जो पहला क्लास ए नेटवर्क था 101 से लेके 127 तक था, दूसरा था 128 से लेके 192 तक, यानी ये क्लास सी का नेटवर्क है, 193 से स्टार्ट हुआ। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, 221, ठीक, 221.101.1015। अब ये कौन सा नेटवर्क है, ठीक। तो क्लास ए में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 1 से लेके 126, क्लास बी में 128 से लेके 191 और 192 से लेके 224, यानी ये भी क्या है, क्लास सी का है। गाइस, इसमें ध्यान दीजिएगा, चौथा क्वेश्चन है 2.256.101.1.254। तो गाइस, ये भी तो एक आईपी एड्रेस लग रहा है, लेकिन जो हमने नोट में लिखाया कि आईपी एड्रेस लाइज बिटवीन 12225, यानी 1 से लेके 255 के बीच में लाइज करती है, 255 से अधिक नहीं हो सकता, इसमें ये गलत आईपी एड्रेस है, ऐसा आईपी एड्रेस हो ही नहीं सकता, ठीक। ऐसे कोई आईपी एड्रेस नहीं हो सकता जिसकी रेंज 255 से अधिक हो, ठीक। लास्ट में है 254.101.236.1। अब ये कौन सा आईपी एड्रेस है, अब ये आप डिसाइड कर सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर कमेंट कीजिए, ठीक। गाइस, अगर आपको इंटरनेट एड्रेसिंग के पार्ट टू में आईपी एड्रेस में कोई प्रॉब्लम हुई, यहाँ पे हमने आज आईपी एड्रेस के बारे में जाना, आईपी एड्रेस वर्जन 4 के बारे में, और जिसके क्लासेस कौन कौन सा नेटवर्क होता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, उसके नेटवर्क के बारे में हमने चारों क्लास को डिफाइन किया है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और उसका सलूशन हम आपको देंगे, या हम उसको लिए आपके प्रॉब्लम्स के लिए एक अलग वीडियो बना के आपको उसको प्रोवाइड कराएंगे। गाइस, अगर जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें जो कि घर बैठे ओ लेवल पास होना चाहते हैं। थैंक यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट एग्जामिनेशन।